बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं छौनी कॉर्पोरेटर एम एस सलाम शाहिद। जैसा कि आज यहाँ पर शांति नगर ट्रांसफार्मर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगने की इत्तला आई, मुकामी लोग भी कॉल किए और इमीडिएट अहमद बलाला साहब ऑनरेबल MLA का फ़ोन आया। इमीडिएट ऐसे जैसा ही मुझे इत्तला मिली यहाँ पर मैं मुकाम पर पहुँचा और फौरी ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स को कॉल किया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कॉल किया, फिर फायर इंजन के लिए कॉल किया। तो और यहाँ के अवाम भी जो है मुकामी अवाम का भरपूर ताउन रहा जो इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी फैल रही थी, मगर यहाँ के नौजवान जो है इस आग पर काबू पाने के लिए हाथ से रेती डाले, पानी डाले, फायर इंजन आने से पहले मुकामी अवाम जो है आग पर काबू पा ली थी। बाद में फायर इंजन भी आया है, अभी वो काम चल रहा है। शॉर्ट सर्किट जो हुआ क्या रीज़न से हुआ मैं AE को भी से भी पूछूंगा, और मैं हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो मुकामी अवाम का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर 100 KV का ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम 160 करने के लिए बात करेंगे ताकि ऐसे लोड डिवाइड हो सके। और मैं यहाँ की आवाम को यही तयखुन देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त अपने कायदीन को, अपने कारपोरेटर्स को यही ताकीद करते हैं कि वह आवाम के दरमियान में रहे। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारपोरेटर की हैसियत से मैं यहाँ पर, जैसा ही इत्तला मिली मैं यहाँ पर आया और यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवान सिपाही जो है अपना फ़र्ज समझकर ये काम किए हैं। मैं तमाम अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जमात की तरफ से। मारो ऊपर, मारो मारो पूरा होने के बाद में अब आके क्या फायदा था कि वो पानी भाई